कौन लाइन में? कौन कौन लाइन में? सब लोग लाइन में? तो बताइए क्या क्लास थी आज हमारी? वीवेट आईडी और सर बैटरी कनेक्टर की क्लास थी हमारी। बैटरी कनेक्टर में होता है भी क्या क्या होता है बताते हैं। बैटरी कनेक्टर का क्लास था सर। तो बैटरी कनेक्टर में क्या क्या आपने फोन करा? आईडी और थर्म और ये क्या बोलते हैं वीवेट और क्रोम सेंस। यस तो बीएसआई बीटीएम और ग्राउंड। ग्राउंड की सप्लाई किस किस को मालूम है आज? यस सर। नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस किस किस को मालूम है? यस सर। कितना इम्पोर्टेंस है मालूम है आपको? यस सर। अच्छा ये बताइए खाली एक सर्किट पे देखा क्या आपने? नहीं सर। खाली एक सर्किट पे? नहीं सर। पर्टिकुलर एक मोबाइल पे? नहीं सर। नहीं सर, हमने सारे मॉडलों पे देखा। यस सर। राइट? यस सर। सैमसंग में किस मॉडलों में आता है किस मॉडलों में नहीं आता है किस किस को मालूम है? सबको मालूम है। यस सर। अच्छा दूसरी बात ये पूछूंगा आपसे मैं, कितना जीआर आता है कितना वोल्टेज आता है? यस सर। कंट्रोल कहाँ से निकलता है और वोल्टेज कहाँ से रिलीज होता है? अगर रास्ते में काम अगर अगर हमको अगर वैल्यू 1000 के ऊपर आती है तो कौन सा सर्किट है ये मालूम है आपको? yes, और 1000 से अंडर 1000 वोल्टेज आता है तो ये मालूम है सर्किट कौन सा है? yes, क्लियर है सब? yes, वीवेट पे आने वाला वोल्टेज वीवेट का एंड पॉइंट किसको मालूम है? yes, सबको मालूम है। yes, तो शुरुआत करूंगा, नाम बताइए अपना। कुणाल कुमार झारखंड से। कुणाल ये बताइए क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर। किनके साथ थी क्लास आपकी? सर के साथ। कितने घंटे की क्लास थी आपकी? करीबन 6-7 घंटे की सर। 7 घंटे की क्लास थी तो 60 घंटे की क्लास में क्या डिसीजन निकला आपका? बहुत अच्छा सर। सर ग्राउंड पॉइंट का तो आज तक पता ही नहीं था कि ग्राउंड का भी कोई पॉइंट होता है सर। ये ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है? होता है ग्राउंड का भी ग्राउंड? यस सर। तो हमको मालूम पड़ा ग्राउंड का भी ग्राउंड? यस सर क्लियर। अगर वो लाइन टूट जाएगी तो क्या दिक्कत आएगी ये मालूम है आपको? यस सर। और उसको कैसे बनाना है ये मालूम है आपको? बिना स्केमेटिक डायग्राम और डायग्राम से बना सकते हो? अभी जो आपने सर्किट आपने जो सर्किट ट्रेस करा अभी प्रैक्टिकल क्लास में, तो क्या डायग्राम से करा क्या? नो सर, बिना डायग्राम का। बिना डायग्राम से करा? डायग्राम किस किस ने करा बिना डायग्राम से? सबने क्या? चलिए सेकंड वन आइए, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम हनी अग्रवाल जी। आज हमने वीबेट और बैटरी से रिलेटेड सारी और टेम्परेचर से रिलेटेड सारी क्लास की और बैटरी कनेक्टर डीसी और अपना सबसे मेन चीज़ तो मैंने YouTube में बहुत वीडियो देखे हैं नॉलेज के लिए, बट किसी ने ये नहीं बोला था कि मतलब ग्राउंड भी अलग अलग होते हैं। ग्राउंड मतलब तो ग्राउंड होता है, कहीं से पत्थर से उठा लो इससे उठा लो, बट ग्राउंड की वजह से भी इतने फॉल्ट आ सकते हैं वो नहीं पता था। तो वो बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि ग्राउंड को कैसे ठीक कर सकते हैं, ग्राउंड का ग्राउंड कैसे ठीक कर। हाँ यस सर। और डीसी क्या शब्द है उसके लिए? नहीं सर, ग्राउंड से ग्राउंड कैसे चेक करते हैं? ग्राउंड से ग्राउंड कैसे चेक करते हैं? ग्राउंड से ग्राउंड कैसे चेक करते हैं? यस सर। सबसे बेस्ट वही लगा ग्राउंड का, वो मजा आ गया था। और सर ने पूरा एक एक पिन का बताया, ऐसा नहीं कोई पिन छोड़ दिया, और बहुत सारे मॉडल में दिखाया, लगभग सैमसंग वीवो में क्या होगा, ओप्पो में क्या होगा, एमआई में, मतलब एग्जांपल बहुत सारे दिए, बहुत सारे में खुद करके दिखाया, जीआर में करके दिखाया, बहुत सारा करके दिखाया, तो उससे क्लैरिटी आई। और एक एक आईसी दिखाया कि ये ऐसी क्या है, वो ऐसी क्या है, कौन सा आईसी में क्या होता है। और मेन चीज़ सर ये जो बता रहे हैं सर, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सर ने कहा कि वो 5-10 साल से ये चीज़ को ऑब्जर्व करके आज बता रहे हैं। ये चीज़ ऐसा नहीं कि कंपनी निकालती ही कोई इंस्टीट्यूट बता देगा कि सबके पास हो, ये अपने एक्सपीरियंस के तौर पे वो बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है, कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है। क्योंकि सर मोबाइल रिपेयरिंग ऐसी फील्ड है जिसका कोई मैप नहीं है कि कोई मैप दे दिया और ढूंढ लो, बहुत चीज़ खुद से करनी पड़ती खुद के नॉलेज के बेस पर, तो वो बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पीछे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, तो बताइए आज आपकी किनके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। देव सर के साथ क्लास थी आपकी? तो क्या मिला देव सर की क्लास में आपको? ये सर बैटरी जहाँ पे लगता है वो बैटरी का पूरा सर्किट के बारे में जानकारी हुआ सर, उसमें बी बैट की लाइन और आईडी और थर्मल की लाइन सर, और एक ग्राउंड होता है सर, ग्राउंड के बारे में सिर्फ ग्राउंड ही सिर्फ सिंगल पता था, ये नहीं पता था कि वो आईसी से भी कनेक्ट होता है। और आज क्या मालूम पड़ा? ये पता चला सर, जिसकी वजह से ऑन भी नहीं हो सकता, डेड पोजीशन में रहेगा सर। सिर्फ ग्राउंड का भी ग्राउंड है? यस सर। सिर्फ बाप का बाप होता है वैसे? यस सर। ग्राउंड का भी ग्राउंड है? ग्राउंड है। चलिए ठीक है। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हाय सर, मेरा नाम इमरान खान है। हाँ जी इमरान, मैं आंध्र से हूँ सर। हाँ जी सर, आज तो सवेरे 9 बजे आए थे हम, देव सर का क्लास 11 बजे से स्टार्ट हुआ था, 5 बजे तक चला सर जी। आज तो बहुत शानदार क्लास बोला सर, ऐसा ट्रिक एक बोल दिया सर जो निंजा टेक्निक कहते हैं, इससे तो हम तो एकदम फ्लैट हो गए सर। ऐसा टेक्निक था तो 2 सेकंड में ट्रेस कर सकते हैं सर। अच्छा
वो चीज भी तुम्हारे पास पहले से कई सालों से नहीं 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 सर। अरे कई सालों से चीज तुम्हारे पास थी, मल्टीमीटर भी तुम्हारे पास था, था सर, ट्रेसिंग भी करते थे, बाकी क्या नहीं था तुम्हारे पास? टेक्निक नहीं यार, क्या लेना है? टेक्निक लेना है। वो टेक्निक मिल रही है? मिल रही सर, पक्का? पक्का सर, 2 सेकंड में ट्रेस कर लेंगे सर कोई भी चीज को उस टेक्निक से। मैं तो आज रिबॉल भी किया, आईसी पावर आईसी निकाल का उसका डेटा शीट भी बनाया खुद से। जैसा आप देख सकते हैं ये डेटा शीट थोड़ा आ गया है, ये प्लीज बताइए। अब जैसा डेटा शीट देख सकते हैं ये स्टूडेंट ने बनाया सर, मैं खुद ट्रेस किया, मैं खुद बनाया सर, ऐसा सब ने बनाया सर, मैं एक ही ना हूँ। किस किस ने बनाया भाई, जरा कॉपी है आपके पास? प्लीज खोल के रखिएगा, जब आपका नंबर आया। तो कैसा लग रहा है? एकदम शानदार लग रहा था, मैं इतने दूर से आया आंध्रा से सर, आगे लगा था क्या लगेगा या नहीं लगेगा उसमें, लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद 100% सीख के जाएंगे सर। आप ऐसे हैं, ऐसा ट्रेनिंग देते हैं सर, एशिया टेलीकॉम की टीम सब साथ देते हैं, आखिर तक साथ देते हैं। तो ये बताइए मुझे कि आप सर की क्लास में गए, 5 घंटे की क्लास अटेंड करी, 5 घंटे की क्लास में आपने जो भी वहां से पढ़ा सर, तो वाकई में आने के बाद पीसीबी पे आपने ट्रेस करा, यहाँ पर पर्याप्त टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है प्रैक्टिकल का आपको? मिलता है सर, पेट भर के, पेट भर के मिलता है सर। जब तक हम खुश नहीं हो जाते पूरा करके सुकून नहीं पाते जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं सर। ये खोपड़ी में कोई डाउट लेके जाते हो? नो सर, खोपड़ी में कोई डाउट नहीं रहता, एक एक बच्चे का पूरा क्लियर करके जाते हैं। जब तक कोई नहीं करेगा जब तक नहीं जाएंगे सर, पूरे इधर ही रुकेंगे, पूरा आसान से करके जाएंगे। टीचर एक एक से पूछता है भाई क्या हुआ? एक एक से पूछते हैं सर, पूरे एक एक से पूछते हैं, किसी को डाउट है तो 1 से 10 बार बोलते हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट वन आइए, चलो भाई फटाफट इधर आते जाओ, बीच में आते जाओ, फटाफट जल्दी आओ, 2, 4, 5, 10 इधर आ जाओ बीच में। जी सर, मेरा नाम कैश रजा है, मैं बिहार से हूँ सर। हाँ जी सर, आज सुबह से सर मतलब बैटरी कनेक्टर का बारे में जानकारी मिला सर, बैटरी कनेक्टर से क्या क्या मोबाइल में फॉल्ट आते हैं सर, क्या क्या परेशानी आती है उसके बारे में पूरा जानकारी मिला सर। अच्छा, तो ये बताइए आपने सर के साथ जो क्लास मिली आपको, तो क्या कोई पर्टिकुलर मॉडल पे बताया कि सारे सीपीयू पे बताया? सारे सीपीयू पे। बात करूं मैं ज़ाइनोक्स की, यस सर, सैमसंग की, यस सर, बात करूं मीडियाटेक की, बात करूं क्वालकॉम की, बात करूं मैं मीडिया है ना एसपीडी की, है ना, तो सबके प्रोटोकॉल आपको पता है? यस सर, पता है सर। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में हमने सर ट्रेस किया सर, और बैटरी कनेक्टर मतलब, प्लीज आपके नोट्स खोल लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए प्लीज आपके। हमने डाटा शीट भी बनाया सर, डाटा शीट से मतलब ग्राउंड भी हो जा, ठीक है, ग्राउंड भी मिला आपको, ग्राउंड का ग्राउंड भी मिला, मिला सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शेख वली है सर। शेख वली कहाँ से हो भाई? हैदराबाद। हैदराबाद से शेख वली, हैदराबाद से एशिया टेलीकॉम में बहुत दूर से, चाहते तो कोई से भी इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जबलपुर आए तो जबलपुर आके कुछ मिला कि नहीं मिला आपको? जी सर बिल्कुल मिला है। आज क्लास का आई थी बताइए थोड़ा। आज क्लास हमारी थी बैटरी कनेक्टर के ऊपर, तो बैटरी कनेक्टर में जितने भी पॉइंट रहते जो कुछ हो गया, वी बैट आईडी और थर्म की लाइन हो गई, जो ग्राउंड की लाइन, सबसे एक खास लगा कि जो ग्राउंड की वजह से भी फ़ोन डेड हो सकता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये तो बहुत लाजवाब दिखा सर मुझे। और वी बैट VPH इसके बारे में भी क्लास बहुत शानदार थी, जो देव सर ने बताया था, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया था, जो कि मॉडल वाइज नहीं हमको CPU वाइज से काम करना पड़ेगा, तो किसमें प्रॉब्लम आए तो किसको जाके ठीक करना है, ये सारा नॉलेज हमको पता चला। तो मेरे भाई मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा, सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, 12 बजे से शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आपको पढ़ाया। जी सर ठीक है, ये बात हो गई, पढ़ाना एक अलग बात है। अब ये बताओ कि जो सर के साथ जो आप पढ़ के आए थे वो PCB पे आपको मिला कि नहीं मिला? जी सर बिल्कुल मिला सर, जैसा 5 बजे क्लास खत्म हो गई थी, तो अब लगभग 5 बजे क्लास खत्म हो गई थी, तो अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 10:30। तो क्लास कब की नमस्ते हो जाना चाहिए थी, तो आप 5-5.5 घंटे से कर क्या रहे थे? प्रैक्टिकल कर रहे थे सर, जो कि जो क्लास में बताया गया था आज उसकी ट्रेसिंग कर रहे थे। तो ट्रेसिंग में क्या मिला आपको? आपने डायग्राम के साथ ट्रेसिंग करा? जी सर। आपने IC उठा के ट्रेसिंग करा? जी सर। रास्ते में जो कंपोनेंट मिले उस पर ट्रेसिंग करा? जी सर। वोल्टेज भी नापा आपने? जी सर। GR भी नापा आपने? एक एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आपकी? ओके सर। कौन कौन से रजिस्टर मिलेंगे आपको ये भी मालूम है? पैरेलल में क्या मिलेगा, सीरीज में क्या मिलेगा, ये मालूम है आपको? तो बताइए मेरे को, इसके ऊपर कुछ है क्या? इसके ऊपर कुछ है क्या? उसके ऊपर तो कुछ रहेगा, कुछ नहीं है। अच्छा मैं बोलूं कि अगर IC के पेड़ भी अगर निकल जाए तो आप बना सकते हो? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी सर, मेरा नाम मुरली साहू है।
मुरली साहू कहाँ से हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से, उड़ीसा से और कौन कौन है? हेलो, उड़ीसा से आइए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए, अपना नोट्स भी लेते आइए। और कौन है उड़ीसा से? हेलो, हनी सिंह, हनी सिंह का हो गया। हेलो हनी, आ जाओ, डायग्राम लेके आओ। चलो, और कौन है उड़ीसा से? ये उड़ीसा से, आपका नाम? मुरली सर। सर आपका नाम? हनी अग्रवाल। आपका नाम? संतोष। संतोष, ये तीन स्टूडेंट सर हमारे पास उड़ीसा से, उड़ीसा से एशिया टेलीकॉम में आए, तो बताइए मेरे को सर, बताइए आप प्लीज। सर आज हमारा बैटरी का कनेक्टर क्लास था जी, जो देवराज सर के साथ था। वो बैटरी कनेक्टर के बारे में जो बहुत कुछ बताए थे। बहुत कुछ बताया तो कितने घंटे की क्लास चली सर के साथ? लगभग 5 घंटे चली थी। क्या लेवल से पढ़ाया आपको सर ने? वो टॉप लेवल था सर। फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में वो प्रेस किया सर, वो टेम्परेचर और अच्छा टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, और बैटरी का अगर इधर आता तो मोबाइल अभी वापस जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पक्का? पक्का सर। चलिए, तो थोड़ा डायग्राम बताइए मुझे। जी सर, जैसा डायग्राम देख सकते हैं इन्होंने बॉल टू बॉल, पेट टू पेट, पेट टू पेट डायग्राम बनाया है इन्होंने। ये तो भैया बोर नहीं हो, तुम यही बना रहे हो। चलिए नाम बताइए अपना। मेरा नाम संतोष है सर। संतोष, क्या क्लास थी आज हमारी? आज सर हमारा बैटरी सप्लाई का कंडक्टर का सब डिटेल में सर दे रहे थे क्लास। तो प्रैक्टिकल में सर यहाँ पे, वहाँ पे हम थ्योरी लिए, उसके बाद प्रैक्टिकल यहाँ पे किए सर, तो सब इजी हो गया अभी। पूरा इजी हो गया? हाँ सर, अभी पूरा दिमाग में। हाँ सर, कोई सा भी अगर बैटरी का फॉल्ट आता है तो रिलेटेड आता है तो आप क्लियर कर सकते हो? कोई सा भी मोबाइल हो, वो सैमसंग हो, क्वालकॉम हो, ज़ाइनॉक्स हो, कोई सा भी हो, मीडियाटेक हो, हां वो तो आराम से, एसपीडी हो, सब सर। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आइए। सर मेरा नाम है वाजिद शेख, महाराष्ट्र। वाजिद, एशिया टेलीकॉम जबलपुर महाराष्ट्र से। यस सर। कितने साल से काम कर रहे थे भाई? सर मैं तो 7-8 साल से। 7-8 साल से। आज जो लेवल पे काम करा उसका? नहीं, जो सर देव सर ने आज जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर जो पढ़ाया उसी को ही आज हमने इधर प्रैक्टिकल किया जी। और जिस वाइस से एमडी सर ने समझाया कि कौन से रास्ते से बैटरी के थ्रू आप आगे जाके ट्रेस कर सकते हैं पावर आईसी को, उस हिसाब से हमने ट्रेस किया सर। कैसा लगा? एकदम बढ़िया सर। अभी इसके ऊपर कुछ है क्या? जी नहीं सर। अभी कोई सा भी सर्किट आता है ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते सर, विदाउट गाइडेंस। बिल्कुल सर। स्कीमेटिक से भी कर सकते हो? स्कीमेटिक के? जी सर। बिना भी कर सकते हो? कर सकते हो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक और स्टूडेंट है, थोड़ा सा डायग्राम देख लो इनका, पूरी मेहनत करके ईमानदारी से बनाया है इन्होंने। जी सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन आइए। सर मैडम हयात। हाँ जी हयात बोलिए, क्या क्लास थी आज हमारी? आज देवसा की क्लास ना, 11 से 5 तक क्लास थी सर। 11 से 5 तक क्लास थी। 11 से 5 तक की क्लास में क्या सीखा आपने? सर सर ने तो आईडी लाइन, थर्मल लाइन, वीबेट लाइन, ग्राउंड का लाइन सिखाया। हाँ, ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है क्या सर? वो हम सब स्टूडेंट समझते हैं कि ग्राउंड क्या है, एक ही है। सर ने तो क्या है, ग्राउंड क्या है, दो लाइन होता है ग्राउंड का, और आईसी के अंदर भी क्या है, इसका ट्रैक जाता है, इसका ट्रैक क्या है, आईसी के अंदर भी जाता है। ये लेंगे क्या, दो ग्राउंड बनता है, ठीक है। ये है ना सब स्टूडेंट को है ना मालूम हो गया सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अभी प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में तो इसका आईडी बनाया सर। हां, इसका आईडी बनाया, इसका क्या है पूरा ये बनाया सर, डायग्राम बनाया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। सर मेरा नाम मनोज यादव है, थाना मिटावा यूपी। हाँ जी जी सर, आज 5 घंटे चली दो सौ की क्लास, बैटरी, वी टाइम, वी एस आई और नेगेटिव का नेगेटिव जी। तो उसके अलावा फिर मैंने 5 बजे के बाद यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल किया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में जो सर ने बताया था वो प्रॉपरली वही निकला उसने। अच्छा सर, पूरा बोर्ड में वही की वही चीज़ निकली जो बताया था। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, प्रैक्टिकल नहीं तो थ्योरी कोई मतलब ही नहीं। दूसरे इंस्टीट्यूट में तो खाली थ्योरी पढ़ा के घर रवाना कर देते, बोले तुमने कर लेना, तो ये संभव है क्या? नहीं ऐसा, यहाँ पर करने में भी आपको दिक्कत है, ये आपके डाउट्स बने? बिल्कुल बने। तो टीचर्स ने यहाँ पे आपको गाइडेंस करा है? बिल्कुल किया सारा का सारा। यस सर। कोई भी स्टूडेंट का डाउट है क्या? अभी इतने सारे स्टूडेंट है यहाँ पर, किसी का भी डाउट है क्या? नहीं सर। किसी का डाउट होता भी है तो यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं, वो कर देते हैं, सॉल्व होता है, हर चीज का प्रैक्टिकल होता है, हर चीज का प्रैक्टिकल होता है। चलिए सर, चंदन कुमार नेपाल से सर। हाँ जी।
सर आज बैटरी कनेक्टर की सप्लाई क्लास थी। बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, उसके प्रॉब्लम्स और उसका फाइंडिंग और सॉल्यूशन टोटल चीज मांगी थी सर। अच्छा, तो अभी कोई भी अगर बैटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकान से वापस जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बी बैट से रिलेटेड हो, आईडी से रिलेटेड हो, बी टैम से रिलेटेड हो या ग्राउंड से रिलेटेड हो, ग्राउंड का भी स्पेशल ऐसा कनेक्शन होता है कि आज मालूम पड़ा। तो कैसा लग रहा है, आपने पूरा प्रैक्टिकल किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डाटा शीट भी बनाई आपने? डाटा शीट प्लीज बताइए। ये देख सकते हैं, ये आईसी का पूरा डाटा शीट बनाया है इन्होंने। तो कैसा लग रहा है ये प्रो लेवल का काम करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, यही सोच के आए थे आप? यही सोच के आए सर। चलिए ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा नाम यशवंत पटेल है, महाराष्ट्र से। हाँ जी यशवंत, बताइए। सर आज हमारी बैटरी कनेक्टर की क्लास थी जिसमें हमने वी बैट, बी एस आई और वी टी एम के बारे में पूरा पढ़ा किया सर। ठीक है जी सर। तो आपने जो पढ़ा, कितने घंटे क्लास चली आपकी देव सर के साथ? सर हमारी 5 घंटे क्लास चली सर देव सर। अच्छा, तो हर चीज़ क्लियर है आपकी? सर एकदम डीप लेवल में पढ़ाते हैं सर हमारे। अच्छा, और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल भी डीप लेवल में किया है? हाँ सर किया ना, बिल्कुल डीप लेवल में। 5 बजे वहाँ से छूटे तो बिल्कुल 10 बजे तक हम लगे रहे। आपने डायग्राम भी बनाया? हाँ सर बनाया। थोड़ा प्लीज बताइए। ये जैसा देख सकते हैं, इसके डेटा शीट भी बनाई है, कौन सी बॉल से आईडी थर्म की लाइन आ रही है इन्होंने पूरा क्लियर किया है। तो कैसा लग रहा है काम करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम ओम प्रकाश केसरवानी फ्रॉम यूपी मधेपुर से है। जी जी सर, आज क्लास बैटरी कनेक्टर से थी जिसमें बी बैट, बी एस आई, आई डी, ग्राउंड, बैटरी कनेक्टर से जो जो फॉल्ट आते हैं, बैटरी कनेक्टर की जितनी भी पिन होती है जिससे जो प्रॉब्लम आती है सारा कुछ ट्रेसिंग करके सब कुछ बना लूंगा सर। पूरा क्लियर है आपका? पूरा क्लियर है। बाय प्रैक्टिकली सर। आपने ट्रेस किया है? जी सर। डेटा शीट बनाई है आपने? डेटा शीट बनी है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको ये करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई सेट वापस जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आईडी थर्मल से रिलेटेड कोई दिक्कत आती तो वापस जाएगा क्या? नहीं सर। चलो, आपका अगर वीबेट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आती है या ग्राउंड से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो वो वापस जाएगा क्या आपका? नहीं जाएगा सर, किसी भी प्रकार से। किसी भी प्रकार से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। मेरा नाम राजकुमार फ्रॉम नेपाल से। जी बताइए। आज हमारा बैटरी और बैटरी कनेक्टर रिलेटेड कोर्स था, थ्योरी और दोनों प्रैक्टिकल में। तो बताइए मेरे को, क्या आपका थ्योरी भी पूरा कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिकल भी पूरा कंप्लीट हुआ और किस लेवल का नॉलेज दिया सर ने आपको? अगर यही क्लास अगर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते और लेते तो क्या आपको इतना नॉलेज मिल पाता है? नहीं मिलता सर, नहीं। ईमानदारी से बताइए। एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। इतना प्रैक्टिकल, इतने समय का प्रैक्टिकल, इतने समय की क्लास और क्लास के बाद पूरी सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? फुल्ली सेटिस्फेक्शन सर। फुल्ली सेटिस्फेक्शन। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस क्लास? यस आई एम सेटिस्फाइड विद दिस क्लास। ओके थैंक यू। नेक्स्ट वन। मेरा नाम सागर है सर। yes. मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी, आज सुबह आया। सागर, सबसे पहले तुम्हारे से मेरे को ये प्रश्न है कि अगर यहाँ पर अगर कोई फ्रेशर भी आता है जिनने कभी मोबाइल को टच नहीं किया तो क्या वो नॉलेज लेके जा पाएगा? है वो स्किल एशिया टेलीकॉम में? yes, है एशिया टेलीकॉम के टीचर्स में वो स्किल? yes, एक दो या तीन टीचर है क्या यहाँ पे? बहुत टीचर है। बहुत है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्या? नहीं कि सर के पास सपोर्ट के लिए गए और सपोर्ट नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला ऐसा? नहीं। अभी आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है? पूरा किया सर। वीबेट, आईडी, थर्म की लाइन का पूरा आपने किया है प्रैक्टिकल? किया सर। साथ में ग्राउंड की लाइन भी ट्रेस करी है आपने? चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। शंकर, हाँ शंकर, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं तुमको ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बाकी ये बताइए आप इस लाइन में पूरे फ्रेशर है, इस लाइन से बिलोंग ही नहीं करते थे है ना, फिर भी आप यहाँ पे सीखने आए, तो आपको आपको आज अगर बैटरी कनेक्टर के सारी लाइनों के बारे में पूछूं तो आपने ट्रेसिंग करी है? आपके हाथ में कुछ भी है? ये डायग्राम भी बनाया आपने? एक बार क्लैपिंग कर दो शंकर के लिए भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन। चलो आते जाओ भैया फटाफट। मैं उमेश नेपाल से सर। हाँ उमेश, बताइए आज आपकी बैटरी की क्लास थी? आज बैटरी कनेक्टर को क्लास थियो, त्यसमा सब कंपनी कसरी लगे अनि त्यसको माइनस पॉइंट पनि नभएपछि बैटरी ने काम गर्दैन,
सेट अन हुँदैन त्यो सबै ट्रेस गर्यो। तो ये बताइए मेरे को कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट कोई परेशानी है ट्रेस करने में? नहीं कुछ नहीं सर। बाय स्केमेटिक विदाउट स्केमेटिक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर नहीं कुछ नहीं। क्या लेवल है पढ़ाने का ऐसे टेलीकॉम का? बहुत ऊंचा लेवल है सर। अगर यही दो देव सर से आपको आज की क्लास मिली है दूसरे टीचर से मिलती तो क्या आप इतना अच्छा सा समझ पाते क्या? नहीं सर नहीं। नहीं समझ पाते? नहीं। प्रैक्टिकल किया आपने? अभी आपके हाथ में क्या है? ये डायग्राम है सर। डेटा शीट है आपने? ये आईसी की डेटा शीट बनाई है। कौन सी आईसी पे क्या मिलता है वो आपको मालूम है? मालूम है सर। चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम मोहम्मद रियाज है झारखंड से हूँ। जी रियाज बताइए। सर आज सुबह में मेरी क्लास थी देव सर के साथ में। जी। तो उनकी क्लास को भी अटेंड किया सर। जी। तो बहुत अच्छा रहा सर। जी। बैटरी का जितने पॉइंट होते हैं उनको सर ने बताए हैं कैसे क्या किया जाता है कैसे क्या होता है बी एस आई का लाइन आईडी का लाइन कैसे चेक किया जाता है। जी। ये सब सर क्लास हुई वहाँ उसके बाद फिर सर प्रैक्टिकल भी हुआ है। जी। क्या लेवल से प्रैक्टिकल हुआ है? सर बहुत अच्छा लेवल से हुआ है। आईसी उठा के यस सर एक एक लाइन ट्रेस करिए एक एक लाइन का क्या काम होता है क्या जीआर होता है क्या वोल्टेज होता है पूरा ट्रेस किया। यस सर यस। देखो मैं तुमसे जब भी पूछ सकता हूँ जब तुमसे कुछ करवाऊंगा मैं। यस सर यस सर। बिना करवाए मैं नहीं पूछ सकता आपसे। नो सर। ना एशिया टेलीकॉम कभी रिव्यू लेता है स्टूडेंट पे मेहनत करने के बाद ही लेता है। पहले मैंने आपको सेटिस्फाई किया है उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर यस सर। पूरा पावर ऐसी खोल के सर ट्रैक किया हूँ कहाँ उसका पॉइंट जा रहा है क्या है नहीं ये सब ट्रैक हुआ है। चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। सर मैं सौरभ कुमार सर बिहार से हूँ सर। सौरभ कुमार बिहार से। सौरभ ये बताइए मेरे को कि आप आज आपकी क्लास देव सर के साथ थी कैसी रही आपकी क्लास? सर आज सर 8 बजे से सॉरी सर 9 बजे आए सर 8 बजे से मेरा क्लास था सर देव सर के साथ और डीसी टू डीसी आईसी बैटरी सप्लाई ग्राउंड सप्लाई सर बहुत सारा क्लास हुआ सर। जी। बहुत बेटर रहा सर आज उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ सर कोई डाउट नहीं रहा सर। कोई डाउट नहीं सर डाउट रहता तो सर इतना टाइम लगता ही नहीं सर 10 बजे से क्लास चल रहा है सर अभी 10 रात बज रहा है 10:30 इतना देर तक क्लास चलता ही नहीं सर। तो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही जी सर होना चाहिए। यस सर। आज की क्लास से पूरी संतुष्ट हो आप? एकदम सर। अभी कोई एडी थर्मल का अगर कोई दिक्कत आएगी तो बना लोगे? एकदम सर 100% 100% यस सर। चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम भुवनेश्वर हुआ मैं झारखंड से हूँ। हाँ भुवनेश्वर। आज 11 बजे देव सर के साथ हम लोग का क्लास हुई जिसमें बैटरी कनेक्टर बी टेम बी एस आई जो भी सप्लाई होती है उसकी क्लास हुई हमारी 11 बजे से 5 बजे तक हुई देव सर के साथ। उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ जो भी डाउट था उसमें क्लियर हो गया। आज हम सभी स्टूडेंट ने डाटा शीट पावर ऐसी खोल के डाटा शीट बनाए हैं। बताइए। चलिए वेरी गुड। तो क्या लेवल की पढ़ाता है एसए टेलीकॉम? क्या एसए टेलीकॉम में स्टूडेंट ने किस लेवल से आना चाहिए? यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? यहाँ पर अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? या 10 साल वाला आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिना नॉलेज वाला भी आ सकता है। और 10 साल वाला आ सकता है? तो 10 साल वाले है यहाँ पर बैठे हुए? यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर 10 साल वाले भी? जी। फ्रेशर भी बैठे? फ्रेशर भी। तो किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? चलिए ठीक है थैंक यू। सर मेरा नाम सागर बोर से है महाराष्ट्र पालघर से। जी। आज देव सर के साथ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी क्लास हुई उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ 5 बजे से 5-6 बजे से 10:30 बजने हुआ है 11 बजने हुआ है। ठीक है। और आज बैटरी कनेक्टर बी वैट डी एस आई डी टेम ये सब उन्होंने सर प्रैक्टिकल और थेरी भी हो गई सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। प्रैक्टिकल में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं सर? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। ये हमारी डाटा शीट आज की डाटा शीट भी है पावर आईसी निकाल के सब चेक किया और निकाला और अभी भी मोबाइल ऑन है। मोबाइल ऑन है? ऑन है सर। क्या लेवल है पढ़ाने का? अच्छा बहुत अच्छा है सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी। मेरा नाम अनिल ठाकरे सर। हाँ जी। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ सर। हाँ जी। सर आज हमारे 11 बजे से 5 बजे तक देव सर के साथ क्लास थी सर। हाँ जी। बैटरी कनेक्टर सप्लाई के बारे में 5:30 बजे से आज 10:30 बजे हमारा प्रैक्टिकल था सर उसमें बी एस आई बी वैट और ग्राउंड का सप्लाई
आईसी में कैसे चेक करने का क्या बराबर है वो बताया गया सर। तो हमने लाइव किया सर आज। लाइव किया? यस सर। कैसा लग रहा है लाइव? बहुत अच्छा लगा सर। वापिस आईसी उठाया, वापिस लगा, वापिस लगा, मोबाइल चालू, डायग्राम भी बनाया, डायग्राम भी बनाया। डायग्राम बता दो। तो क्या लेवल की पढ़ाई है सर? बहुत लेवल है सर, हाई लेवल। टीचर ऐसा जल्दी में रहता है घर जाने की? जल्दी नहीं नहीं सर। ऐसा रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। 11 बजे भी जल्दी में रहता है क्या? 11 नहीं, कभी कभी 12 बज जाते हैं सर। 12 बजेगी? 12 बज जाते हैं। तारीख बदलेगी? नहीं सर। तारीख बदलेगी? हाँ तारीख बदलेगी सर। तुम आओगे 5 तारीख को, जाओगे 6 तारीख को? चलो ठीक है, वो दिन भी आएगा। चलो नेक्स्ट वन। धन्यवाद सर। हेलो सर, मेरा नाम संजय शाह है। हाँ जी संजय। हाँ सर, मैं अगरतला आदिपुरा से आया हूँ सर। हाँ जी सर, ये इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया सर, 5 दिन हुआ है सर। हाँ जी। हर एक एक दिन एक नया नया चीज सीखता हूँ सर, और आज एक नया चीज सीखने के लिए मिल गया सर। बैटरी का कनेक्शन, बीबेट कनेक्शन, आईडी और जीएनडी और थर्म कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है सर, ये भी सीखा है सर। और उसका आईडी भी, उसका डायग्राम भी मैंने बनाया सर। डायग्राम भी बनाया? हाँ सर। थोड़ा इधर पास में आके बताइए थोड़ा सा। अरे इसको जूम करके लो। तो क्या लेवल है शरीर का सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है सर। तो किस लेवल से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, और प्रैक्टिकल का पूरा समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरा मिल रहा है सर। पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है सर। कोई डाउट तो नहीं लेके जा रहे हो दिमाग में? सुबह 10 बजे आया, अभी 11 बज रहे सर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम राणा रॉय है। हाँ जी जी सर, आज बी बैट आई डी थर्मल जी के बारे में बहुत जानकारी मिला जी, जो पहले और ग्राउंड भी थे तो ये पहले जानते भी नहीं थे। जानते भी नहीं थे इसको। आज बहुत ही अच्छा लगा था इस क्लास में। तो अभी कोई फॉल्ट आएगा तो वापिस जाएगा क्या? आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है, किस लेवल से किया है? डाटा शीट बनाया आपने? बताइए। देखो जैसा आप देख सकते हो, उन्होंने डाटा शीट भी बनाया है, पूरी ईमानदारी के शिद्दत के साथ बनाया उन्होंने डाटा शीट। कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जी। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्ष राज है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी सर, मैं आज हमारी 5वां दिन था सर क्लास का, आज बीएसआई बीटेम और वीवेट की क्लास थी, और देव सर ने हमें पूरे 5 घंटे तक लगातार हमको इस पर नॉलेज दिया है सर जी। तो इसके लिए मैं देव सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और पूरे डिटेल में हमको पैड वाइज और पूरी जानकारी दी सर सब पॉइंट की। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको? आपने पूरा प्रैक्टिकल किया है? जी सर किया। एक चीज का प्रैक्टिकल किया है? यस सर। पेड लाइन आईसी उठाने पेड लाइन बनाई आपने? यस सर किया। प्लीज बताइए। आप जैसा देख सकते हो, तो ये लेवल एशिया टेलीकॉम का है, तो जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला सर। आप कहाँ से आओ, कितने इंस्टीट्यूट घूम के आओ, ये मैं नहीं पूछना चाहता। आप किससे पढ़ के आए हो, है ना? पर बाकी ये बताओ मेरे को कि क्या फर्क है दूसरे इंस्टीट्यूट में और एशिया टेलीकॉम में? थोड़ा क्लिक करो उसमें टीवी पे, एक उंगली मारो सर। यहाँ पे टाइमिंग का बहुत डिसिप्लिन रखा जाता है, जैसे देव सर का सुबह 11 बजे हमें खाना पीना खा के सब रेडी थे, और 11 बजे शाम उनका क्लास चालू होता है, और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाना मतलब ये कोई जोक नहीं है, और लगातार वो पढ़ाते ही रहते हैं। और सिर्फ तीन पॉइंट पे, मतलब बीएसआई बीटेम और वीवेट के, इस पर शायद ही कोई 5 घंटे की क्लास दे सकता है समय। बराबर, डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ साथ उतना नॉलेज भी होना चाहिए। जी सर, कहानी खत्म हो जाती है तीन पॉइंट पे, कहानी खत्म हो जाती है। अगर डेप्थ में नॉलेज है वही वही टीचर पढ़ा सकता है जी बिल्कुल, और उनमें एबिलिटी है। Yes, ना, मैं उनको बोलता हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर। यस सर, क्या मैं गलत बोलता हूँ क्या? नो सर। अगर मैं बोलूँ कि देवरतन अग्रवाल सर मोबाइल के भगवान है, yes, sir, तो गलत है क्या? नो सर। बताइए मेरे को, yes, दिल से बोलो sir, मेरे सामने हो जबरदस्ती मत बोलो। yes, sir, अगर मैं बोलता हूँ कि देवरतन अग्रवाल सर मोबाइल के भगवान है, तो है कि नहीं है? yes, sir, और टाइम टू टाइम अपडेट होना भी जरूरी है सर, ये भी उनसे सीखने को मिलता है। बराबर है। अच्छा तो ये बताइए मेरे को कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहा था कि दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या एशिया टेलीकॉम के अलावा कोई इंस्टीट्यूट इतने घंटे पढ़ाता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या एशिया टेलीकॉम के अलावा कोई इतने घंटे का प्रैक्टिकल देता है क्या? नो सर। क्या इतने घंटे की प्रैक्टिकल में
इतनी बड़ी टीम है क्या? नहीं सर। क्या इतने स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठे हैं सबके डाउट क्लियर करता है कोई क्या? जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या जो भी स्टूडेंट है एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है? जी होता है। मैं डाउट लेके जाता है क्या? जिस दिन की क्लास उस दिन खत्म होती है कि नहीं होती? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मेरा नाम राकेश है, मैं नागपुर से आया सर। हाँ जी। आज हमारी क्लास थी मॉर्निंग 11 बजे स्टार्ट हुई देवसर के साथ, 5 बजे खत्म हो गई। हाँ जी। आज बैटरी कनेक्टर के बारे में जानकारी मिली आज। ठीक है। वीबैट बीएसआई बीटेम सारी लाइनें चेक की सर, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हर चीज का एंड पॉइंट है। हर चीज का। अगर मैं वीबैट का बोलूं तो वीबैट का एंड पॉइंट मालूम है आपको? है मालूम सर। कितने कंपोनेंट मिलेंगे ये मालूम है आपको? सर पता है। आईडी की लाइन का एंड पॉइंट मालूम है आपको? पता है सर। बीथरम की लाइन का एंड पॉइंट मालूम है? पता है सर। और ग्राउंड का ग्राउंड मालूम है कि नहीं आपको? वो भी पता है सर। पता है? पता है सर। क्या बात कर रहे हो? जी सर। ढूंढ सकते हो? ढूंढ लिया। ग्राउंड में से भी ग्राउंड को ढूंढ सकते हो? ढूंढ लिया। कितना जरूरी है वो? बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। प्रैक्टिकल किया आपने? जी सर। आईसी उठा के डाटा शीट बनाई आपने? आईसी उठा के डाटा शीट भी बनाई। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर मैं गणेश कांके मुंबई से। हाँ जी। सर एशिया टेलीकॉम में आने का मेरा एक मकसद था जी, कि मुझे एशिया टेलीकॉम के जो ट्रिक्स होते हैं वो मुझे सीखना था सर जी। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एशिया टेलीकॉम करना है, यहाँ के ट्रिक्स सीखना है। मुझे यहाँ पे पर डे एक नया नया ट्रिक्स मिला, लेकिन सर आज सबसे बेहतरीन ट्रिक्स जो देव सर ने हमको दिया है जी। जो बोलते थे कि हम आपको निंजा ट्रिक सिखाएंगे जी। और वाकई में सर इसके पहले मालूम नहीं था, मतलब आज मैं इतना जुड़ा है फील के कि हम जो ट्रेसिंग करते थे जो डाउट क्लियर करने के लिए, हमारा ये पैर कहाँ जाता है, इसका ट्रेसिंग कैसा होता है, उसमें हमको दो दो ढाई ढाई घंटा लगते थे सर। लेकिन सर ने आज हमको ऐसी ट्रिक बताई जो हमें बोलते थे जी। उनका हम लोग जब रिव्यू देखते थे वो बोलते थे कि हम तुम्हें ऐसी निंजा ट्रिक सिखाएंगे। और वाकई में सर इनके लिए मैं देव सर के साथ ऑल स्टूडेंट क्लैप। थैंक यू सर। थैंक यू अगला सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया? सर डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना। आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गया। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सी कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट